हेलो स्टूडेंट्स, मैं तोरल पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी, स्टैंडर्ड 6, इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 1, पार्ट 1, दयालु शिकारी चित्रपाठ। शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं। क्रूरता के कारण ही वे पशुओं का शिकार करते हैं। इस चित्रपाठ में एक शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली चलाता है, परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस कहानी द्वारा बताया गया है कि पशुओं को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। इस चित्रपाठ में हमें 9 चित्र दिए गए हैं। चित्र के आधार से कहानी लिखने के पहले यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि दिए गए चित्रों को क्रम अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए और कोई भी चित्र का कम या ज़्यादा विस्तरण न हो जाए या फिर कोई चित्र छूट न जाए। इस चित्रपाठ में पहले चित्र में एक घना जंगल दिख रहा है। जंगल में एक हिरनी दौड़ रही है। हिरनी दिखने में ताजी और मोटी लग रही है। दूसरे नंबर के चित्र में जंगल में एक शिकारी आता है। शिकारी हिरनी को देखकर पेड़ के पीछे छिप जाता है। तीसरे नंबर के चित्र में शिकारी हिरनी की ओर बंदूक से निशाना लगाता है। निशाने पर आ जाने से शिकारी बंदूक से गोली चलाता है। चौथे चित्र में गोली की आवाज़ से डरकर जंगल के अन्य हिरन और हिरनी इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। पांचवें चित्र में शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी है। हिरनी रो रही है। उसने एक शावक को भी जन्म दिया है। शावक, शावक मीन्स पशु और पक्षी के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शावक बोलते हैं। उसने एक शावक को भी जन्म दिया है। चित्र नंबर 6 में शिकारी हिरनी के पास जाता है। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर जाता है। उसे बहुत पछतावा होता है। सातवें चित्र में जंगल की कुछ ही दूरी पर एक अस्पताल दिखाई दे रहा है। शिकारी हिरनी को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल की ओर ले जा रहा है। चित्र नंबर 8 में हिरनी का इलाज करके शिकारी हिरनी को उठाकर जंगल की ओर ले जा रहा है। 9वें चित्र में शिकारी हिरनी को उसके शावक के पास छोड़ आता है और हिरनी अपने शावक के साथ घूमने लगती है। बच्चों, हमने सभी चित्रों का अभ्यास कर लिया। अब हम कहानी तैयार करेंगे। दयालु शिकारी चित्रपाठ। एक जंगल था।
उसमें एक हिरनी दौड़ रही थी। हिरनी ताजी और मोटी थी। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई। हिरनी को देखकर शिकारी ने हिरनी की ओर बंदूक से निशाना लगाया। निशाने पर आ जाने से शिकारी ने गोली चलाई। गोली की आवाज़ से जंगल के अन्य हिरन और हिरनी इधर उधर भागने लगे। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। उसमें से खून बह रहा था। हिरनी रो रही थी। हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया था। गोली चलाने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया। हिरनी को देखकर शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। जंगल की कुछ ही दूरी पर एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी को अपनी गोद में लेकर अस्पताल ले गया। वहाँ हिरनी का इलाज कराया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाली और मरहम लगाई। इलाज से हिरनी को आराम मिला। फिर शिकारी हिरनी को वापस जंगल में शावक के पास छोड़ आता है। चलो बच्चों, अब हम कहानी के आधार से MCQ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले ये कहानी आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। 1. जंगल में शिकारी ने एक डैस को देखा। अ हिरनी, ब बकरी, सी लोमड़ी, डी सियारनी। आंसर ए हिरनी। 2. शिकारी एक डैस के पीछे छिप गया। ए झाड़ी, बी खंभे, सी पहाड़ी, डी पेड़। आंसर डी पेड़। 3. शिकारी ने हिरनी की आंखों में डैस देखे। ए अंगारे, बी आंसू, सी तारे, डी सपने। आंसर बी आंसू। 4. पशु पक्षी के बच्चे को डैस कहते हैं। ए मेमना, बी पिल्ला, सी सावक, डी शिशु। आंसर सी सावक। 5. हमें पशु पक्षियों के प्रति डैस रखना चाहिए। ए मैत्रीभाव, बी सद्भावना, सी घृणाभाव, डी शत्रुभाव। आंसर बी सद्भावना। क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. शिकारी को डैस का मांस खाने की इच्छा हुई। आंसर हिरन। 2. हिरन डैस में रहते हैं। आंसर जंगल। 3. गोली हिरनी की डैस में लगी थी। आंसर टांग। 4. हिरनी ने एक
डैश को जन्म दिया था? आंसर सावक। फिफ्थ, शिकारी को बहुत डैश हुआ? आंसर पछतावा। प्रश्न नंबर तीन, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट, शिकारी जंगल में गया क्योंकि अ, वहां उसे सिंह का पता लगाना था। ब, वहां से उसे जड़ी बूटी लानी थी। क, उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। आंसर क, उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। सेकेंड, हिरण इधर उधर भागने लगे क्योंकि अ, उन्होंने शिकारी को आते हुए देखा। ब, वे गोली चलने की आवाज़ से डर गए थे। क, उन्होंने हिरनी को भागते हुए देखा। आंसर ब, वे गोली चलने की आवाज़ से डर गए थे। थर्ड वन, शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि अ, हिरनी ने एक सावक को जन्म दिया था। ब, गोली हिरनी की टांग में लगी थी। क, उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। आंसर क, उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। स्टूडेंट्स, कहानी के बाद क्वेश्चन नंबर वन एमसीक्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू फिलिंग द ब्लैंक, एंड थर्ड सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, ये नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट।